नमस्कार, मैं प्राजक्ता तांडेल, आप देख रहे हैं मेरा भाईंदर लाइव। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का ज्वार अब परम बिंदु पर है। हर पार्टी के स्टार प्रचारक पूरे देश में अपने मुद्दों के साथ प्रचार के हेतु पहुंच रहे हैं। भाजपा की जहां एक और फिर एक बार मोदी सरकार की पुहार जोर पकड़ रही है, वहीं दूसरी ओर नेताओं के भाषणों के मुद्दे पोलराइजेशन की ओर रुख कर रहे हैं। विकास के मुद्दों को पिछली कतार में जगह मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही नजारा मीरा भाईंदर में संपन्न हुए महायुति उत्तर भारतीय सम्मेलन में दिखाई दिया। केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा जी अपने भाषण में मोदी जी की तुलना में कोई दूजा नहीं इस राग को बड़े चाव से दोहराते नजर आए। तो वंशवादियों की एक लंबी फौज है, चाहे फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला हो, यहाँ कन्याकुमारी में स्टालिन हो, एक एक पुराने वंशवादियों की ये कतार नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती। पिछले 5 साल की जगह पिछले 1.5 महीने में क्या हुआ, इनको दोहराने में मंत्री जी ने अपना आधे से ऊपर भाषण खर्च किया। सर्जिकल स्ट्राइक, अंतरिक्ष सुपर पावर, हर सीट मोदी, देश के लिए वोट, यही अपील रेल राज्य मंत्री जी ने जनता से की। नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिल सके, पिछले महीने सवा महीने में जो कुछ इस देश में हुआ है आप सब उसके साक्षी रहे हैं। आज भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष का चौथा सुपर पावर देश बन गया। भाषण में फिर एक बार पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के नाम का उद्घोष सुनाई दिया, जहां विदेश नीति पर 50 साल पुराने वाक्य को सुषमा स्वराज जी से मंत्री जी ने जोड़ा। आइए देखते हैं क्या था वो किस्सा। अब ये घटना का जिक्र मैं करना चाहता हूं। आज से ठीक 50 साल पहले पंडित नेहरू जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, इस्लामिक देशों का एक संगठन है दुनिया में जिसका सम्मेलन हुआ था, उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधि के नाते गए थे। जिस शहर में सम्मेलन हो रहा था वहां पहुंच गए, होटल में रुक गए, पाकिस्तान ने धमकी दी कि भारत का प्रतिनिधि भाग लेगा तो हम भाग नहीं लेंगे। फखरुद्दीन अली अहमद साहब वहीं 2 दिन रहे, वापस बैरंग चले आए, सम्मेलन में भाग नहीं ले सके। अभी फिर वही सम्मेलन हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें भारत की सम्माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज गेस्ट ऑफ ऑनर, विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। जिस दिन कैप्टन अभिनंदन वापस आए थे पाकिस्तान से, पूरा हिंदुस्तान अभिनंदन कर रहा था उनका, उसी दिन भारत की विदेश मंत्री सुषमा जी उस सम्मेलन के लिए रवाना हो रही थी। और जब रवाना हुई तब फिर पाकिस्तान ने वही चाल चली, कहा कि अगर भारत का प्रतिनिधि भाग लेगा तो हम बहिष्कार करेंगे। लेकिन इस बार ये मोदी का भारत था, ये बदला हुआ भारत था, दुनिया ने देखा, अरब अमीरात से लेकर के तमाम इस्लामिक देशों ने कहा कि पाकिस्तान भाग ले या न भाग ले, हमारे सम्मेलन की गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती सुषमा स्वराज होंगी। ये बदलता हुआ भारत। पाकिस्तानी समर्थकों को नीचे खींचने के लिए वोट का बटन दबाना है, इस वाक्य ने सभा में खूब तालियां बटोरी। कि जो लोग पिछले महीने सवा महीने में पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, सेना के शौर्य का अपमान कर रहे हैं, हमारे जवानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं, 29 अप्रैल केवल राजन विचारे जी को सांसद बनाने और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का दिन नहीं है, बल्कि उनसे अपमान का बदला लेना है 29 अप्रैल को, जिन लोगों ने पाकिस्तान की भाषा बोली, जिन लोगों ने हमारे सेना के शौर्य का अपमान किया है। और यहाँ सभी उत्तर भारतीय लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इस बार लोकसभा का चुनाव बाकी चुनावों से थोड़ा भिन्न है। ये केवल सांसद बनाने का चुनाव नहीं है और न ही केवल सरकार बनाने का चुनाव है। मैं मानता हूं कि ये चुनाव भारत के स्वाभिमान और सम्मान का चुनाव हो गया है, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये केवल सरकार बनाने के लिए या राजन विचारे जी को सांसद बनाने के लिए आप 29 अप्रैल को वोट नहीं डालने जाए, बल्कि भारत की जो अर्थव्यवस्था आज 6ठी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसे दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आपको मत करना है 29 अप्रैल को शिवसेना के उम्मीदवार के लिए। संगठित होकर के पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के युति को बंबई के अंदर दिया जाए। हम चाहते हैं मजबूत सरकार, ताकि देश से गरीबी को समाप्त कर सके, दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन सके। वो मजबूत सरकार चाहते हैं, ताकि फिर से कोयले की नीलामी में और कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला कर सके। फैसला आपको करना है। हालांकि मंत्री जी ने स्थानिक मुद्दों पर कोई भाष्य नहीं किया, लेकिन अपने संचार विभाग तथा रेल विभाग के संदर्भ में भी कोई वाच्यता नहीं की गई। मनोज सिन्हा जी के भाषण का अनकट वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करें, और बाकी अपडेट्स के लिए कनेक्ट रहिए मीरा भाईंदर लाइव के साथ।